हे फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच चावल का आटा। तो देख रहे हैं आप, हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 चम्मच चावल का आटा। हम ज़्यादा यहाँ पे चावल का आटा यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे मिल्क। यहाँ पे हमने ले लिया है मिल्क और अब हम यहाँ पे मिल्क को फाड़ लेंगे। फाड़ने के लिए हमने यहाँ पे नींबू लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मिल्क जो है वो हल्का गर्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे नींबू ले लिया है। अब नींबू की हम 2-3 बूंद रस इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि मिल्क जो है वो अच्छे तरीके से फटने लगा है तुरंत ही। और जब यहाँ पे मिल्क फट जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम यहाँ पे कर देंगे गैस को ऑफ। अब यहाँ पे जो फटा हुआ मिल्क है वो ठंडा हो जाए, इसके बाद हम यहाँ पे इसे एक कपड़े में छना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया है जिससे कि पानी अच्छे से छन जाए। तो हमने यहाँ पे मिल्क को छना लिया है और हम यहाँ पे इसका सारा पानी निकाल देंगे। हमने यहाँ पे 3 चम्मच चावल का आटा लिया था। तो अब हमने यहाँ पे डाला है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं छेना। तो अब हमने यहाँ पे छेना डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको चावल का आटा ज़्यादा नहीं डालना है। जितना हमने छेना लिया है उसके हिसाब से हम चावल का आटा यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे मिल्क लिया है। अब हम यहाँ पे मिल्क डालेंगे थोड़ा थोड़ा और यहाँ पे एक डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चाशनी की तैयारी कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले ली है 1 गंजी और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 गिलास पानी। तो हम यहाँ पे 1 गिलास पानी ले रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 3 छोटी कटोरी लेंगे शक्कर। हमने यहाँ पे 3 छोटी कटोरी शक्कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 1 इलायची और अब हम यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से उबालेंगे और बीच बीच में इसे चम्मच से मिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हमने यहाँ पे जो डो तैयार किया था, अब हम यहाँ पे इसकी छोटे छोटे गोले बना लेंगे नींबू के साइज़ के। आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है आप उतना साइज़ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे गोले बना लिए हैं। ऐसे ही हम सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जितना डो लिया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे गुलाब जामुन बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कढ़ाई। अब हम ऑयल को करेंगे मीडियम गर्म और मीडियम गर्म करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक एक करके सारे जो गुलाब जामुन के गोले हैं उसे डाल देंगे और अब हम यहाँ पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। अब हम यहाँ पे एक बार चाशनी की तरफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चाशनी है ये अभी और होगी, तो जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए तो हम इसे और होने देंगे और फ्रेंड्स करेंगे गुलाब जामुन को अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसका कलर जितना चाहिए आप उसका कलर गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गुलाब जामुन हैं वो हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। तो मुझे इतने गोल्डन ब्राउन चाहिए थे। अब हम यहाँ पे डालेंगे इसे सीधा चाशनी में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चाशनी है हल्की गाढ़ी हो गई है और अब हम यहाँ पे गुलाब जामुन को निकाल कर एकदम गर्म चाशनी में डालेंगे। गर्म चाशनी में डालने से ये होगा कि ये जल्द से जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे और ये तुरंत खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गुलाब जामुन को थोड़ा ठंडा कर लिया है और आप देखेंगे कि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो कितने अच्छे बने हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी प्लेटिंग। फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बनाइए चावल के आटे के गुलाब जामुन और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।